साथी हम आप सब से अनुरोध करना चाहते हैं, पर जोरदार नारों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, भैया तलूट पुलिया। हर लोगों इनको मानते हैं, पहचानते हैं, और इन्होंने बिना पक्षपात किए, बिना स्वार्थ देखे बाराबंकी जिले में चौमुखी विकास करने का काम किया, और ऐसे ही और इसी रास्ते पे इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मेरे पिताजी डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने भी इस बाराबंकी जिले में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं। हमारी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है, हमको पता चला है। गोंडा में बहुत सारे पुराने वीडियो चलाए गए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। इंडिया गठबंधन का आप सभी लोगों को साथ देना है। हम सब आपको सुनना चाहते हैं, मंच मैं आपको राष्ट्रीय भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इंडिया के जन प्रत्याशी तनुज पुनिया जी भारी मतों से जीत के जाएंगे। समाजवादी कांग्रेस एकजुट है। हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? संविधान बचाने का भी चुनाव है ये संविधान, वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया, और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, हर पेपर लीक हो रहा है इनका। 10 साल पहले क्या थी और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है, और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा। 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था, और आज बताओ डोलो कितने की है। डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं आए, और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन पुनिया जी को जिताने का काम करें। प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा, सांसद अपने आप प्रधानमंत्री चुन लेंगे, लोग हैं और सब एकजुट हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब न करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए इंडिया के गठबंधन की मदद। फिर देख के क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ तरुण पुनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा यूसीसी उनका संकल्प है। देखिए बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। बाबा पंजाब पहुंच के भोजन लेके क्या कहें? बाबा पंजाब पहुंच के भोजन लेके क्या कहेंगे? देखिए पहले मुख्यमंत्री हैं, मैं कोई नहीं सुनना चाहता। बीजेपी का आज वो नेगेटिव नैरेटिव की वजह से हार रहे हैं। अगले दिन अगले घंटा खोद रहे सर, वो किसी बच्चे में गिर रहे। अगले दिन बीजेपी कह रहे हैं कि इंडिया का गठबंधन बिना संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान